क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में मास ऑफ अर्थ दिया है, तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है वो आपको पता है, 6 × 10^24 किलोग्राम, आपको लर्न भी होना चाहिए ये। सन का मास कितना होता है, सन का मास होता है, मास ऑफ सन हो जाएगा 2 × 10^30। सन का मास ज़्यादा है अर्थ से, ठीक है, 10^30 किलोग्राम। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी या आर आप इसको मान सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ आर जो है वो हो जाएगी 1.5, 15 करोड़ किलोमीटर है ना, तो मीटर में बदल देंगे तो 1.5 × 10^11 मीटर। तो फॉर्मूला वही है आपका, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ इक्वल टू जी एम ई और एम एस, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन आर स्क्वायर। तो इससे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा, ये देखिए सॉल्यूशन इसका, ये दिया है मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10^-11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। और ये हमें दे रखा है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 × 10^11, तो 11 को थोड़ा ऊपर करना है, ऐसे लिखेंगे 1.5 × 10^11 मीटर। ये सब फॉन्ट की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फॉर्मूला हमने लगाया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, समझिए, मैं समझाता हूँ। देखिए तो इसको हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है स्टूडेंट्स के साथ इन वैल्यूज़ को सॉल्व करने की। तो जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, तो ये है 10^11 है, 10^-11 है और ये है 30, तो ये पावर को 30 को और 11 को माइनस कर लिया तो पावर यहाँ हमारे पास आ गई 19, तो अब 10^10 बची 19, 19 और 24 को ऐड कर लो, तो 24 को ऐड कर लिया तो टोटल हो गई हमारे पास कितने 43 पावर्स, 10^43। अब यहाँ पे 10^11, 11 का डबल करेंगे 22, तो ये 22 ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं, तो माइनस कर दिए 22, तो फाइनली 10^ कितनी बची, 10^43 में से 22 माइनस कर दिए तो 10^ बची 21। तो अब हम इसको सॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.67 × 6 × 2 अपॉन 1.5 × 1.5। तो जब हम इसको सॉर्ट में इस तरह लिख लेंगे, इंटू 10^ जो बची हैं वो एक बार में सॉल्व हो गई, तो 10^ बची है 22, सब 10^ को सॉल्व कर लिया मैंने, इन सब को सॉल्व कर लिया। और अब इस नंबर को सॉल्व कर लेंगे, तो इस नंबर को सॉल्व कर लेंगे, 3 से डिवाइड किया 2 बार, फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको 3 से डिवाइड किया 2 बार, ये 3 से डिवाइड किया तो ये 0.5, तो इस तरह से इसको पॉइंट से पॉइंट हटाए, यहाँ 0 इंक्रीज कर लो, फिर एक पॉइंट से पॉइंट 0 इंक्रीज कर लो, फिर 5 से ये गया 40 टाइम्स, 5 से ये गया 3 टाइम्स और ये समथिंग जाएगा 2.22। तो इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो 2.22 × 2 × 40 और आंसर आपका इस तरह आ जाएगा, और जो आंसर होगा वो आपका होगा समथिंग द 35.6 कुछ, और इंटू 10^22 होगा, तो उसमें एक पॉइंट पीछे ले जाएंगे इसको, डेसिमल पॉइंट को पीछे ले जाएंगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो आंसर फिर फाइनली जाके 3.56 × 10^23 हो जाता है, ठीक है, तो 10^23 जब होता है। क्लियर, समझ गए, तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है।